संगम नगरी प्रयागराज में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने के बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में लगने वाले महाकुंभ और जनवरी 2023 में लगने वाले माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के साथ ही ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो माघ मेले 2025 में लगने वाले महाकुंभ की रिहर्सल होंगे। उन्होंने कहा कि 2025 के कुंभ की तैयारियां 40 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर की जाएंगी। हम लोगों का आकलन है कि अगर अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे तो कुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। डबल इंजन सरकार प्रयागराज के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य सुरक्षित सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी और दीपावली 2024 तक जो भी लक्ष्य तय किए जाएंगे उन्हें पूरा करने का भी आज निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज की बैठक मैं प्रयागराज के कुंभ की दृष्टि से कहूँ तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के दृष्टि से अर्धकुंभ के समय बहुत विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति के नजारे को देखेगी और करोड़ों लोग आने वाले हैं। अनुमान है पिछली बार 24 करोड़ लोग आए थे, लगभग 40 करोड़ का मुझे लगता है कि लगभग 50 करोड़ लोग आएंगे और ये ऐतिहासिक कुंभ होगा और इस भारतीय संस्कृति की छटा को दुनिया के लोग देखेंगे और देव देवता और गंधर्व भी देखेंगे, उनको भी हम लोगों ने सादर आमंत्रित किया।